जनपद के सभी थानों के पैरोकारों की बैठक एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा सहित सभी थानों के पैरोकार मौजूद रहे। बैठक में एसएसपी ने कहा कि सभी पैरोकार सभी केसों में तेजी लाएं, जिससे अपराधियों को जल्द से जल्द दंड दिलाया जा सके। एसएसपी ने बताया कि कोर्ट के नोडल पैरोकार होते हैं, जो सुनवाई या ट्रायल केस है कोर्ट में पेश करते हैं, जिससे अपराधियों को सज़ा मिलती है, जिसके लिए उन्हें निर्देश दिया गया है कि सुनवाई की केसों में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले पैरोकारों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, आप बैठे हैं। पिछली बार क्या एजेंडा था कोई याद दिलाएगा? आप लोगों से आइडेंटिफाई करवाए थे जो केसेस डिस्पोजल की स्थिति में हिंग स्टार्टिंग वाले हैं। 96 केस थे, मुझे अच्छी तरह याद है। उसको फिर हमने कोर्ट वाइज बात करके, मेरी जब मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट जज साहब के साथ हुई है, मैंने उन जजेस को दिया है कि ये केसेस ग्रेजुएट अगर देखेंगे तो महीने दो महीने में निकल जाएंगे। जी सर, दो केस हुए हमारे सजा। वेरी गुड। तो ये जब तक हमें प्रायोरिटी नहीं पता चलेगी, हम सही जगह पर फोकस, सही जगह पर मेहनत करें, उन्हें सारे केसेस में हम पीछे लग करके संबंध की पूरा करो, तुम रिट पर टेस्ट लाओ, तो ये लाओ, तो वो लाओ, उससे बेहतर है कि रूटीन काम चलता रहे और कुछ हर पैरोकार चार छह केस में स्पेशली ध्यान रखे, चार छह केस स्पेशली ध्यान रखो हर महीने, तो रूटीन केस में आपकी सजा पड़ जाएगी। इनका परफॉर्मेंस अप्रेजल लीजिए आप अगले छह महीने का, जून तक का, किस पैरोकार की उसमें सबसे ज्यादा सजा पड़ी, उसको 5,000 रुपये नगद पुरस्कार मेरे से दिलवाइए। के तौर पे हम जो है पैरोकारों के साथ मीटिंग करते हैं, जो हमारे कोर्ट्स हैं, डिफरेंट कोर्ट्स में जो नोडल पैरोकार होते हैं पुलिस थाने की तरफ से, उनके कारों की समीक्षा के लिए बैठक होती है, जिससे कि जो सुनवाई है और जो ट्रायल के केसेस चल रहे हैं उनमें तेजी लाई जा सके और अपराधियों को जल्दी से जल्दी दंड दिया जा सके।